सीहोर और हरदा जिले के आदिवासी वन ग्रामों के किसानों को भी अब फसल बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा। जी हां, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने दो जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब वन ग्रामों में भी राजस्व ग्रामों का लाभ देने का निर्णय लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। चुनावी मुहाने पर खड़े मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार किसानों के मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि सरकार प्रतिदिन किसानों से संबंधित विभिन्न घोषणाएं भी कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने अब आदिवासी वनग्रामों के किसानों की सुध लेते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इन्हें भी लाभान्वित करने का फैसला किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वन ग्राम होते हैं, वो राजस्व ग्राम नहीं होते हैं। एक टेक्निकल तकलीफ थी कि वन ग्राम या वन ग्राम क्या, और वन ग्राम के जो आदिवासी हमारे वनवासी भाई हैं, बहन है, उनकी जो खेती है उनके पास भू अधिकार इन पुस्तिका नहीं होती, पट्टे होते हैं। वन भूमि के पट्टे दिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, और इसलिए फसल बीमा की शर्त है कि पटवारी हल्का होगा इकाई, और एक पटवारी हल्के में 100 हेक्टेयर से ज्यादा में अगर सोयाबीन की फसल है या उड़द है, खरीफ रबी की गेहूं चने जो भी वही है, उसका बीमा होता है। और इसके कारण वनवासी क्षेत्र के लोगों का वन भूमि के पट्टों का या वन भूमि की फसल का बीमा नहीं होता था। जब मैं हरदा गया और वहां के वनवासी ग्राम का दौरा किया तो वहां के लोगों ने कहा कि हमारा तो बीमा नहीं हो रहा, सबका करा रहे। मैंने तत्काल कलेक्टर को निर्देशित किया कि इनका बीमा भी होना चाहिए। उन्होंने कहा सब टेक्निकल रूप से दिक्कत है। हमने कहा हम टेक्निकल समस्या भी दूर करेंगे। मैं कृषि मंत्री हूं, मुख्यमंत्री शिवराज जी, हम गांव गरीब किसानों के लिए, और हमने तत्काल कलेक्टर को कहा प्रस्ताव बना के भेजो। कलेक्टर ने प्रस्ताव बनाया, सीएलआर ऑफिस गया, सीएलआर ऑफिस 5 तारीख को, और सीएलआर ऑफिस से हमने ओके करा के कृषि संचालक से, भारत सरकार से और फसल बीमा कंपनी से आग्रह करके और उनको सम्मिलित कराया। उन्होंने अनुमति दी और आज उसकी हमने गजट नोटिफिकेशन कर दिया, जिसके कारण हमारे वनवासी बंधुओं के भी फसल का बीमा हो रहा है। वो लंबी लंबी लाइन लगाकर, गांव में कैंप लगाकर उनके लिए सुविधा दी। हमने शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है, हमने वहां पंचायत सचिव की ड्यूटी लगाई है, हमने वहां पर कृषि ग्राम सेवक की ड्यूटी लगाई है, ताकि वो फार्म भर के फॉर्मिलिटी पूरी करके उनके करके उनके पैसे जमा होकर बीमा कंपनी में हो जाए, ताकि उनकी फसल की जो क्षति हुई है उसकी भी बीमा उनको मिल सके और वो उनको आर्थिक हानि ना हो, ताकि अगली बार भी वो खेती कर सके। हमारा ये मानना है कि किसान इस देश की आत्मा है, इस देश की रीढ़ है। कि खेती अगर नहीं होगी तो दोनों टाइम भोजन कहाँ से मिलेगा, अन्न कहाँ से मिलेगा, तो लोग जीवित कैसे रहेंगे। और इसलिए किसान को जो क्षति होती है वो राष्ट्र की क्षति है, वो समाज की क्षति है। और इसलिए किसान को क्षति ना हो, उसकी पूर्ति हो, किसान को हम संबल दें, किसान को खड़ा रखें, मजबूत रखें, ये जिम्मेदारी सरकार की है, वो बखूबी हम निभा रहे हैं। और इसलिए हमने समय भी बढ़ाया, हमने नियमों को शिथिल किया, और जो नियम में नहीं था उसको हमने नियमों में लाए, और अब वन भूमि के पट्टों के भी फसल बीमा होगा और क्षति होगी तो उसकी पूर्ति होगी। तो हमारे वनवासी बंधु जो फसल क्षति होने पर उनको कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती थी, बीमा नहीं होता था, मुआवजा क्षतिपूर्ति नहीं होती थी, वो अब होने लगेगी। अब हमारा वनवासी बंधु भी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होगा, बल्कि वो भी मजबूत होगा, उसकी भी क्षतिपूर्ति होगी। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम जो कहते हैं वो करते थे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश में फसल बीमा की स्थिति पर संतोष जताते हुए कहा कि 17 अगस्त तक प्रदेश में 25 लाख किसानों ने फसल बीमा कराया था, लेकिन अतिवृष्टि से फसल खराब होने के बाद बीमा की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाने के बाद विशेष अभियान भी चलाया गया, जिसका फायदा जरूरतमंद किसानों को मिला। किसान की फसल की रिस्क कवर करने के लिए होता है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, अटल जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने शुरू किया था 2000 में फसल बीमा योजना। कांग्रेस के 50 साल में कभी किसानों की चिंता नहीं की, ने फसल बीमा किया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ परिवर्तन करके और उसको किया, और अभी 31 जुलाई लास्ट डेट थी बीमा की, लेकिन हमने बढ़वा कर उसको 17 अगस्त किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उसके बाद 31 अगस्त किया, क्योंकि फसलें खराब हो गई अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ में डूब गई, और 5 जिलों के लिए अभी आज आखिरी तारीख है थी, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, देवास और हरदा। और इस प्रकार तारीख बढ़ाने से 17 तारीख के बाद, 17 के पहले 25 लाख किसानों ने जो कैसीसी था उनका,
उनका बीमा हुआ था, कुछ अरिणी किसानों ने भी कराया, लेकिन विशेष हमने जो अभियान चलाया, हमने कैंप लगाया किसानों के लिए गांव गांव में, रविवार के दिन भी हमने बैंक खोली, कल रविवार था, कल भी 5 जिलों में बैंक खोली थी, और उसके पहले सप्ताह में भी पूरे प्रदेश में हमने बैंक खोली, नेशनलाइज बैंक वगैरह सब, और उसका ये परिणाम हुआ कि 7 लाख किसानों का बीमा करने में हम सफल हुए हैं। जो किसान किनका बीमा हुआ, जो अऋणी है, जो डिफॉल्टर किसान है, जो वाकई में कर्ज में मतलब में डूबा हुआ था इसलिए कर्ज नहीं दे पाए, ऐसे किसान जिसको जरूरत थी उनका बीमा कराने में हमने सफलता प्राप्त की है। और इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, तो हमने साबित करके दिखाया कि हम दिल से किसानों के लिए सरकार खड़ी है और किसानों को संबल दे रही है। और हमारा ये मानना है कि जब देश पर कोरोना का संकट था दुनिया में और देश पूरा लॉकडाउन था, उस समय बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यवसाय सब ठप हो गए थे, बंद थे, पान चाय दुकान होटल तक बंद थी, ऐसे समय में सिर्फ एक क्षेत्र खुला था, वो थी खेती किसानी और हमारे किसान और मजदूर, इन्होंने पसीना बहाकर अनाज पैदा किया और उसके कारण दोनों टाइम का भोजन हमको मिल रहा है, सब्जियां मिल रही है, दूध मिल रहा है, जिससे हम जीवित हैं। हिंदुस्तान के 130 करोड़ को जीवित रखने वाले, दोनों टाइम का भोजन सब्जी और दूध की व्यवस्था करने वाले किसान, जब देश संकट में था तो उसने भोजन की व्यवस्था की, अनाज पैदा किया। आज किसान संकट में है अतिवृष्टि बाढ़ के कारण, तो अब जिम्मेदारी सरकार की है कि वो उसको संभाले, और इसलिए वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में है। हम किसानों को संबल दे रहे हैं, और इसलिए हमने किसान की खराब फसल हो गई, बर्बाद फसल हो गई, किसान की कमर टूट गई, इसलिए किसान को खड़ा रखने के लिए, उसको बल देने के लिए, उसको मजबूत देने के लिए, उसकी क्षति की पूर्ति करने के लिए हम फसल का बीमा करा रहे हैं। वहीं कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। नया इतिहास रचा है, इसलिए हमने तारीख पर तारीख बढ़ाते गए, विशेष 5 जिलों में, उसके कारण हमारे 7 लाख किसान जो जिनकी फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी उनका भी बीमा करने में हमने सफलता प्राप्त की है और किसानों को संबल दिया है। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, एक संवेदनशील सरकार कर सकती है। हमारा जो कथनी और करनी है कि कांग्रेस हमेशा घड़ियालों आंसू बहाती है और हम जो कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हम कहते हैं कि हमारी सरकार गरीबों की गांव के किसानों की है, तो हमने साबित करके दिया है उनको साथ देकर। कुल मिलाकर किसानों के आत्महत्या के मुद्दे पर घिरी शिवराज सरकार खुद को किसान हितैषी साबित करने में जुटी हुई है। ऐसे में सरकार की इन योजनाओं का लाभ किसान कितना उठा पाते हैं, इसका खुलासा तो आने वाले समय में ही हो जाएगा। भोपाल से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।